हाय गाइस, मैं हूं फरहान, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कुछ समर फूड शेयर करूंगी जिसे आप खा करके अपने स्किन को, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के साथ साथ फ्रेश एंड ग्लोइंग भी बना सकते हैं इस गर्मियों में। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो आइए तो वीडियो स्टार्ट करें। बोले जो हमारा समर का जो पहला फ्रूट है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, वाटरमेलन को तरबूज भी कहते हुए आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा गर्मियों के सीज़न में। और बात करूँ तरबूज के, तो तरबूज जितना टेस्ट होता है खाने में उतना ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं इसके। तो तरबूज में 95% मात्रा में पानी पाया जाता है। इसके साथ ही तरबूज में लाइकोपीन पाया जाता है, बहुत सारा फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को एजिंग की प्रॉब्लम से दूर रखते हैं। साथ में हमारे स्किन को कोलेजन बनाने के लिए इनकरेज भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो फ्रेश ग्लोइंग होने के साथ साथ जल भी लगती है। तो आप समझिए कितने सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप वाटरमेलन को अपने डाइट में शामिल करते हैं। तो नेक्स्ट फूड जो हमारा है वो है कैंटालोप, जिसे बोलते हैं तरबूज। ये भी वाटरमेलन फैमिली का ही होता है, एक हिस्सा होता है, और आपको गर्मियों में ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लोडेड होता है विटामिन सी से। इसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, फाइबर है, पोटेशियम है, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन, हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, साथ में हमारी स्किन को ग्लोइंग भी बनाते हैं। तो अगर वाटरमेलन सॉरी अगर आप कैंटालोप को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा फ्रूट जो है वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी तो बच्चे बूढ़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। स्ट्रॉबेरी जितनी खाने में टेस्टी होती है उतनी टेस्टी आपको भी हमारे स्किन के लिए भी होती है। और बात करूँ तो स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ में विटामिन सी, फाइबर होता है। और हेल्थ बेनिफिट की बात करूँ तो स्ट्रॉबेरी में आप जो होती है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, ब्लड प्रेशर की भी बहुत अच्छी होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, और आप कैंसर तक की प्रॉब्लम अगर आपको है तो कैंसर तक की बीमारी में स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा काम करती है। तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं स्ट्रॉबेरी को। और स्ट्रॉबेरी तो आप बहुत तरीके से खा सकते हैं, शेक वगैरह भी यूज़ करते हैं सैलड में, सीजन्स में, मतलब इस तरीके से स्ट्रॉबेरी आप आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फूड जो हमारा है, या जिसे बोलो फोर्थ फूड जो हमारा है, वो है पाइनएप्पल। जी हाँ, गर्मियों में पाइनएप्पल भी आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और दोस्तों जितने भी मैं फ्रूट्स बता रही हूँ वो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं गर्मियों में, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ढूंढने आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा, साथ में बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। जी हाँ, तो बात करते हैं पाइनएप्पल की। तो पाइनएप्पल जो होते हैं वो दिखने में तो बहुत ही टफ से लगते हैं, दिखते लगता है कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप इसे खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और पाइनएप्पल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होते हैं। तो बात करूँ पाइनएप्पल की, तो पाइनएप्पल जो होता है वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जी हाँ, हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट सही नहीं है, तो आप पाइनएप्पल को अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, पाइनएप्पल आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी आंखों के लिए भी पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रूट है वो है पपाया। जी हाँ, पपाया में पेपिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे स्किन को रिजुविनेट करता है, हमारे स्किन को ग्लो ला करके देता है। और पपाया की बात करूँ तो पपाया में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप सब जानते हैं कि पपाया का हम कितना ज़्यादा ब्यूटी बेनिफिट देखते हैं, कितना ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, पपाया ऑयल हो, पपाया मास्क हो, क्योंकि पपाया में ब्लेमिशेस को दूर करने की पावर होती है। साथ में अगर पपाया को खाते हो तो पपाया जो होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें फाइबर पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों गर्मियों में अगर आप इन सारे फलों का सेवन करते हो या अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आप देखोगे कि जो आपकी स्किन है वो ना सिर्फ हाइड्रेट होने के साथ साथ हेल्दी हो गई है, बल्कि आपकी जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी, आपका पेट है, आपका डाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम जो आपकी है वो सब खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ मेरे शेयर तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।